शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओंकार, कीर्तन भजन पूजा अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओंकार, महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना में सदैव उपस्थित ओंकार, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रुह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं, तभी हिरणी को देख वो निशाना साधता है, परंतु हिरनी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। तत्पश्चात हिरनी की बहन व उसके पति की प्रार्थना पर उनके प्राण न हर उन्हें भी जाने देता है। प्रतीक्षारत भील को तभी शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो हृदय परिवर्तित भील शिवलिंग से लिपट अपनी व्यथा सुनाता है कि न तो वो जीव हत्या का पाप करना चाहता है और न ही जीव हत्या से विमुख हो बच्चों को भूखा मारने का पाप। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे महाशिवरात्रि की महिमा बताते हैं। गुरुद्रुह श्रृंगवेरपुर का राजा बनता है और शिव कृपा से मानव देह प्राप्त कर हिरण हिरणी स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। विभीषण जी, आपका ये संग और इस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हमारे हृदय को सदा प्रफुल्लित रखती है। स्वामी,
आपकी वार्तालाप सुनकर मेरा मन तरंगित हो गया। प्रणाम देवराज। देवराज और देवी शची को हमारा भी प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन है आप लोग? हमें आपका परिचय नहीं है। शची, क्या तुम इन तीनों से परिचित हो? नहीं स्वामी, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देवऋषि नारायण। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। देवराज जी, आप मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्ष को पहली बार देख रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को दिए वचन को निभाने के कारण इनका हिरण और हिरणी के जन्म से उद्धार हो गया। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हिरण हिरण हिरणी? देव ऋषि, हम तीनों पहले हिरण हिरणी थे। आप तीनों नारद की बात पर विश्वास कीजिए और भगवान शिव की भक्ति की ज्योति जलाए रखिए, जिसने आपका उद्धार किया है। नारायण नारायण। अवश्य देव ऋषि, हम शिव आराधना की धूनी रमाएंगे। देवराज, देवी सती, मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग के सुख में इतना न डूबिए कि आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान ही न रहे। देव ऋषि, हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। देवराज, देव ऋषि, मरुदेव, आप अशांत और चिंतित क्यों हैं? आपको तो सब कुछ ज्ञात है देव ऋषि। भगवान शिव ने मेरी पुत्री श्रेयसा की आराधना का कोई उत्तर नहीं दिया, इसी हेतु चिंतित हूं। और अपनी इसी चिंता को व्यक्त करने हेतु देवराज के पास आया हूं। मारुदेव, भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त की चिंता तो स्वयं भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। अवश्य मिटाएंगे। नारायण नारायण। और भगवान शिव की आराधना का फल तो ही होता है। आप देख नहीं रहे मारुदेव? मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्ष को आपकी पुत्री सुरेशा की प्रार्थना भी भगवान शिव अवश्य सुनेंगे, शीघ्र ही सुनेंगे। नारायण नारायण। मेरी पुत्री सुयशा ने शिव के विशेष सेवक नंदी को मन ही मन अपना पति मान लिया है, परंतु नंदी शिव की सेवा में लीन होकर सब कुछ भूल गए हैं। आप मेरी पुत्री पर दया कीजिए देव ऋषि, उसके वियोग का अंत कीजिए। ये काम तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव होगा। हाँ, मैं आपकी विनती उन्हें सुना दूंगा। मारुदेव, कहाँ है देवी सुरेशा? अलकापुरी के शिवालय में शिव की अखंड आराधना कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। की पुत्री की अखंड शिवाराधना कभी असफल नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी पुत्री का नाम नंदी की भांति शिव भक्तों में अमर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
देवर्षि, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ देवर्षि, आपने तो लंबे समय से हमारी सुधि ही नहीं ली। क्या हमसे कोई अपराध हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। नंदी, तुमसे एक ऐसा अपराध हुआ है जो क्षमा के योग्य नहीं। क्या कह रही देवर्षि? नंदी तो शिवगुणों में सर्वोत्तम है। शिव की सेवा इसके जीवन का व्रत है। नंदी से कोई अपराध हो यह असंभव है। माता सती, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, किंतु जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ उसे असत्य कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है नंदी को इस अपराध का ज्ञान ही न हो, परंतु माता। परंतु क्या देवर्षि? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि मैंने अपराध क्या किया है? भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आंखें खोलिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। पहले आप ये बताएं कि मेरा अपराध क्या है। शिव 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 जी के सम्मुख मैं कौन होता हूँ तुम्हें अपराधी बताने वाला? हे शिव शंकर, आंखें खोलकर अपने भक्त नंदी की व्यग्रता शांत कीजिए। देवऋषि नारद, जहां जहां आप जाते हैं व्यग्रता आपके साथ साथ चली आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं भी आप ही का सेवक हूँ, मुझ पर ऐसे आरोप न लगाइए। मैं तो किसी की आराधना का संदेश लेकर आपके पास आया। आराधना का संदेश? तुम किसकी आराधना के संदेश की बात कर रहे हो नारद? भोलेनाथ, आपसे संसार की कौन सी बात छुपी है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको ज्ञात है कि नंदी का अपराध भी उसी आराधना से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। देवर्षि, अधिक आश्चर्य में न डालिए, हमें समझाइए कि बात क्या है। व्यग्र न हो सती, नंदी तो हमारा अंश है, उसके साथ तो अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो देवऋषि नारद की अपनी शैली है सबको चकित कर देने। इनकी शैली कुछ भी हो, मैंने क्या अपराध किया ये तो बताइए प्रभु। भोलेनाथ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ प्रभु, कुछ तो कहिए, हमारी व्यग्रता दूर कीजिए। देवी सती, शिवगणों की अध्यक्ष नंदी कथा से तो तुम अपरिचित नहीं, परंतु नंदी संभवतः हमारी भक्ति में लीन होकर पिछली बातें भूल गए। इन्हें पति रूप में स्वीकार करने वाली मरुदेव की पुत्री देवी स्वेशा नंदी को पति रूप में पाने से वंचित होकर अलकापुरी शिवालय में मेरी आराधना कर रही है। यही नंदी का अपराध है, क्यों देवऋषि? हाँ देवादी देव, नंदी को इस कर्तव्य का स्मरण कराने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। देवी सती, उस घटना का स्मरण कीजिए जब हम शिलाद ऋषि की तपस्या की पुकार सुनकर उनके पास गए थे। तब कठोर तपस्या करके अनन्य भक्त का परिचय दिया है। मांगिए, अपनी तपस्या का फल मांगिए। प्रभु,
निसंकोच कहिए शैलाद्रि, जो इच्छा हो मांगिए। प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रभु भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझे ऐसा शिव भक्त पुत्र दीजिए जो अयोनिज और अमृत हो। अयोनिज और अमृत, अर्थात ऐसा पुत्र मांगते हो जो किसी माँ के पेट से जन्मा ना हो और जिसकी कभी मृत्यु भी ना हो। प्रभु मुझे अनंत काल तक शिव जी की भक्ति करने वाला पुत्र दीजिए। तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप हमने कह दिया कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। जय आइए आपकी कुटिया में, आपका अजन्मा अमर बालक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु आइए। वर्षों पर्यंत तपस्या करने के पश्चात कोटी वैसी की वैसी। गौ माता मुझे क्षमा करें। देवेश्वर आपने इस तुच्छ मानव पर बड़ी कृपा की है प्रभु। नहीं शैलाद, भक्त कभी तुच्छ नहीं होता, वो तो सदा अपने आराध्य देव की कृपा से संपन्न रहता है। स्वर चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं शिलादेशी, भीतर मेरा ही अंश रुद्र अवतार नंदी आजन्मा आपका पुत्र है। भोलेनाथ मेरा बेटा, भोलेनाथ मेरा बेटा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ। तुझे पाल पोस कर शिव की सेवा में देने के लिए ही तो मैंने कड़ी तपस्या की है बेटा। शिलाद्रिशी, ये वही अमर नंदी है जो आगे चलकर शिवगणों को अनुशासित करने वाला गणाध्यक्ष नंदी कहलाएगा। भोलेनाथ, आपने जो मुझ पर कृपा की है उसका आभार मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। प्रभु आप धन्य हैं। भोलेनाथ आपकी लीला अपरंपार है। कल्याण भव। जय भोलेनाथ। बेटा, मेरा बेटा। जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। बाबा। हाँ बेटा। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बेटा। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ परंतु शिव मेरे नमस्कार का उत्तर नहीं देते, ऐसा क्यों है बाबा? बेटा शिव जी तो सबका नमस्कार मौन रहकर ही स्वीकार करते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं। बेटा मुझे शिव जी को देखना है बाबा, मैं उनसे बात करने का इच्छुक हूँ। बेटा शिव जी जब ऐसा समझेंगे कि तुमसे मिलना आवश्यक है तो स्वयं आकर तुमसे मिलेंगे बेटा। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मुझे शीघ्र मिलो। जय शिव शंकर। मैं भी देखता हूँ कैसे शिव जी प्रसन्न नहीं होते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय बेटा नंदी, बेटा नंदी, पिछले कई दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया है, अब तो खा ले। बेटा नंदी, थोड़े से फल खा ले बेटा। बेटा, शिवजी की कृपा तो तुझ पर निरंतर बरस रही है, फिर तू क्यों हाथ ठाने बैठा है? हे करुणा सागर, अब तो आप ही इसे समझाइए, मेरी तो सुनता ही नहीं। समस्त जगत की घटना चक्र से अनभिज्ञ करुणा सागर भोलेनाथ के अंश नंदी का जीवन एक नए मोड़ और एक नवीन स्पंदन व अनुभूति के मार्ग से होकर मरुत देव की पुत्री सुयशा से जुड़ जाएगा, इसका ज्ञान स्वयं नंदी को भी नहीं था, कदापि नहीं था। वो देखो, राजकुमारी सुयशा, तुम विहार करने निकली हो या किसी का शोक मनाने? यदि ऐसा ही था तो विहार के लिए हमें क्यों बुलाया? क्या ये कान बंद किए बैठे हैं? मारु देवता की पुत्री है, आकाश में कहीं भी विमान ले जा सकती है। क्या सुयशा ये नहीं जानती? तुम हमें हमारे घर पहुंचा दो, हमें तुम्हारे साथ विहार करके अपना समय नष्ट नहीं करना है। क्षमा करना सहेलियों, मैं अपनी ही चिंता में खोई थी। मुझे रह रहे के उन ऋषि महाराज की भविष्यवाणी स्मरण हो रही थी। कौन सी बात? तुमने हमें तो कभी नहीं बताई। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि तुमने बड़े बड़े सुंदर और बलवान राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। मुझे उन राजकुमारों से क्या लेना देना, मुझे तो बस उस शिव भक्त की इच्छा है जिनके विषय में उन ऋषि महाराज ने भविष्यवाणी की है। शिव भक्त? कौन है वो शिव भक्त? ऋषि ने कहा था जिसकी ओम नमः शिवाय मंत्र जाप की ध्वनि तुम्हारे मन प्राणों को मोह लेगी वही तुम्हारा पति होगा, और तब से आज पर्यंत मैं उस ध्वनि को सुनने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। सुन रही हो वो ध्वनि? कौन सी ध्वनि? ओम नमः शिवाय की ध्वनि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। ये ध्वनि तो पृथ्वी से आ रही है। सुयशा, विमान पृथ्वी पर उतारो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 बोले शिव भक्त महाराज शिवाय ओम नमः 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 शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। सुयशा, ये शिव भक्त तो आंखें बंद के तप कर रहे हैं, ये तुम्हें कैसे देखेंगे? मैंने इन्हें देख लिया है, मेरा जीवन सफल हो गया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव भक्त महाराज आंखें खोलिए, मेरी सखी आपसे कुछ कहने की अभिलाषा लेकर आई है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप लोग कौन हैं? आपको भगवान शिव शंकर ने भेजा है। इस दासी को स्वीकार कीजिए शिव भक्त। शिव भक्त महाराज, ये मरुद देवता की सुपुत्री सुयशा हैं। एक ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार इनकी जीवन डोर आपसे बंधने वाली है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये महाराज तो फिर खो गए। तुम भी तो कुछ बोलो सुयशा, फिर से जगाओ इन्हें। मैंने तो अपनी बात कह दी, इन्होंने अनसुनी कर दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप लोग हमारी तपस्या में विघ्न न डालिए, हम आपसे विनती करते हैं। परंतु आपको हमारी सखी सुयशा की बात का उत्तर तो देना ही होगा। ओम नमः शिवाय। शिव के दर्शन के लिए बचपन से हम तरस रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी पुकार नहीं सुनी। जब तक वो यहाँ दर्शन नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भी निश्चय है, नमः शिवाय। जब तक मुझे ये पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। मैं भी देखती हूँ भगवान शिव मेरी विनती कब तक नहीं सुनेंगे। मैं स्वर्गलोक जाके भगवान शिव की आराधना करूँगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, आज भी अलकापुरी में सुयशा आपकी आराधना कर रही है। उसके पिता मरुदेव उसकी चिंता में अत्यंत दुखी है। देवर्षि, क्या ये सत्य है? माता, इससे पूर्व भी मैं आपसे कह चुका हूँ, जो मैं आंखों से देखकर आता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। प्रभु, आप इतने दिन मौन क्यों रहे? विवश सुयशा की दशा पर आपको दया नहीं आई प्रभु? हम तो नंदी को देखकर मौन थे देवी। यदि स्वयं नंदी के मन में विवाह की कामना नहीं जागती, हम सुयशा की कामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नारायण नारायण। नंदी, सत्य बताना, क्या तुम्हें सुयशा की तनक भी सुध नहीं रही? क्या तुमने सुयशा को बिसार दिया है? बोलो। नंदी, कहाँ चले? मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। नंदी, यहाँ आओ। प्रथम तुम देवश्री के प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुमने देवी सुयशा को सचमुच बिसार दिया है? बोलो नंदी। नंदी, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुम अपनी माता से अपने मन की बात छिपाओगे? नहीं माता, मैं अर्ध सत्य नहीं कहूंगा। मैंने सुयशा को बिसारा नहीं था, परंतु कैलाश में भगवान शिव और माता सती की सेवा में मैं प्रसन्न हूँ, तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता क्या हो सकती है? नारायण नारायण। देखा महादेव, आपके समान आपका ये गणाध्यक्ष नंदी भी विवश सुयशा की उपेक्षा करता रहा। प्रभु, अब आप नंदी को आज्ञा दीजिए कि वो सुयशा को पत्नी रूप में स्वीकार करे। प्रभु, सुयशा पर कृपा कीजिए, दया कीजिए उस पर। नंदी, हम सब की इच्छा है कि सुयशा तुम्हारी धर्म पत्नी बनकर कैलाश आए और तुम्हारे कार्य में तुम्हें सहयोग दे। नंदी, अब तो देवी सुयशा को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जब देवादिदेव महादेव ने
आज्ञा दे ही दी है तो फिर संकोच कैसा? आपकी आज्ञा का मैं अनुचर हूँ भगवान, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धन्य हो नंदी, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। माता सती, देवी सुयशा को अलकापुरी से कैलाश लाकर उसे नंदी की धर्म पत्नी बनाने का शुभ कार्य आप ही करेंगे। क्यों महादेव? अवश्य नारद, ये कार्य तो वर की माता ही कर सकती है, हम नहीं। देवर्षि, अब आप हमें सुयशा के पास लेकर चलिए। जब आप उनका संदेश लेकर आए हैं तो नंदी सुयशा का शुभ विवाह कराने में भी हमें सहयोग दीजिए। जो आपकी आज्ञा माता। माता, ऐसे कार्य हेतु मैं सदा ही तत्पर रहता हूँ। शिव गणाध्यक्ष नंदी, आप यही रहेंगे, सुयशा को देखने की आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। माता पधारिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान सदा शिव जी, मेरी पुत्री सुयशा की आराधना स्वीकार कीजिए, उस पर कृपा कीजिए देव। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो सुयशा। नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी सुयशा। ओम नमः शिवाय। पुत्री सुयशा, नमः शिवाय। आंखें खोलो बेटी। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो। देवी सुयशा, ये भगवान शिवशंकर की जीवन संगीनी है और नंदी की माता देवी सती ये स्वयं तुम्हें लेने आई है। माता, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पुत्री। जब कोई सच्चे मन से प्रण करता है तो वह अवश्य पूर्ण होता है। देवादिदेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। नंदी ने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना माननीय कर लिया है। माता, माता। पुत्री, तुम्हें मेरे साथ चलना है। माता सती, आप सचमुच धन्य हैं। देवऋषि नारद, यदि आपने मेरी पुत्री सुयशा की इच्छा शिवजी को ज्ञात न कराई होती तो न जाने कब इसकी तपस्या सफल होती। नारायण नारायण। मरुद देवता, ऐसा न कहिए, भगवान शिवशंकर तो घट घट वासी हैं, उन्हें सबके मन की इच्छा ज्ञात है, परंतु हर कार्य अपना समय आने पर ही पूर्ण होता है। देवी सुयशा की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। इस तपस्या के प्रभाव से देवी सुयशा नंदी के साथ कैलाश पर निवास करेगी। हाँ सुयशा, मरुदेव, नंदी सुयशा के शुभ विवाह में आपकी उपस्थिति आवश्यक है, पधारिए। जो आज्ञा माता श्री। मरुदेव, अब कैलाश और स्वर्ग का शुभ संगम होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दुनिम्बाना तन्वंगी शुभासिनी सुरसेका क्रीडाकलासंरति। भगवान भोलेनाथ की शिवराध्यक्ष नंदी की देवी सुयशा की सूर्यमणि की लावण्यलीलामयी शिवराध्यक्ष नंदी की देवी सुयशा की माता सती की।
भगवान भोलेनाथ की जय। संसार के लिए आदर्श सेवाभावी पति पत्नी का कर्तव्य निभाओगे तुम, तुम्हारा कल्याण हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्री स्वेशा, सदा अपने पति की आज्ञा का अनुगमन करना, शिव सेवा से कभी मुंह न मोड़ना। जो आज्ञा माता। पुत्र नंदी, तुम्हारा और स्वेशा का यश युगों युगों तक अमर रहेगा। हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। हे नंदी, विश्व में जहां जहां शिवालयों की स्थापना होगी वहां शिवलिंग के साथ साथ तुम्हारी भी स्थापना होगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। Oh,